गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपंकजं। आइए सुनते हैं करवा चौथ माता की कथा, जिसके सुनने से महिलाएं सौभाग्यवती रहती हैं, वैधव्य का दुख नहीं भोगना पड़ता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहा जाता है। सुहागिन स्त्रियां इस दिन व्रत करती हैं। करवा चौथ के दिन हर नारी को संयम भक्ति भाव से करवा चौथ का व्रत करना चाहिए। करवा चौथ व्रत की पहली कथा इस प्रकार है। एक साहूकार था जिसके सात बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई और बहन साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो बहन से भाई बोला, आओ भोजन करें। बहन बोली, अभी तो करवा चौथ है, अभी चांद निकल आए तब खाएंगे। तब भाइयों ने छलनी लेकर के नकली चांद दिखा कर दिया जला करके, कहा चलो अब बहन भोजन कर लो, चांद निकल आया है। अपनी भाभियों से बहन बोली तो बहन भाभियां बोली कि अभी तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा तो नहीं उगा है। और भाइयों के कहने से अर्घ दे करके खा लिया तो पहले ही ग्रास में बाल आया, दूसरे में कंकड़ और तीसरा जैसे ही रखा तो ससुराल से संदेशा आया कि तुम्हारा पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की को विदा किया और कहा, रास्ते में जो भी मिले उसके पाँव लगना, जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाई से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला बस यही आशीष देता, आशीर्वाद की साथ भाइयों की बहन तुम्हारे भाई सुखी रहें, तुम उनको सुख से देखो। सुहाग का आशीष किसी ने दिया नहीं। जब ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी, उसके पांव जब लगी तो कहा, तुम सुहागिन रहो, सपूती रहो। यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधा और ननद को सिक्का सोने का दिया। और जब भीतर गई तो सास ने कहा, तुम्हारा पति पड़ा हुआ है, जाकर की सेवा करने के लिए वो देखकर बैठ गई। और बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मार्ग शीर्ष की चौथाई तो चौथ माता बोली, करवा ले लो, करवा ले लो, भाइयों की प्यारी बहन करवा ले लो। लेकिन जब चौथ माता नहीं दिखाई दी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही हमारा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, तब उससे कहना, वही वापस देगी। पौष की चौथ आकर गई। माघ फाल्गुन चैत्र वैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो सभी की चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। असौज की चौथ आई तो बताया कि तुम पर कार्तिक चौथ नाराज हैं, उन्होंने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती हैं, वही आएंगी तो पांव पकड़कर विनती करना। यह बता करके कार्तिक की चौथ आई। वह गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी बहन करवा ले ले, दिन में चांद उगानी करवा ले ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले ले, भूखी करवा ले। यह सुनकर चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग आपके हाथ में है, मुझे दे दो। पापिन हत्यारिन पांव पकड़कर क्यों बैठ गई, ऐसा माता बोली। तब बोली कि मुझसे भूल हुई, मुझे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूँगी। चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखून से मेहंदी, टीके से रोली, छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया तो उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं तो बहुत सोया हूँ। वह बोली, क्या सोई, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब आकर चौथ माता ने सुहाग दिया, तब आपका जीवन मिला। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ माता की कहानी पूरी हुई, करवा का पूजन किया, प्रसाद खाकर दोनों चौपड़ खेलने लगे। दासी ने ये सब देखा, जाकर सास को बताया, तब सारे गांव में ये बात फैल गई और तब से सभी स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा के लिए करवा माता का व्रत करने लगीं। इस दिन अवश्य ही नारी को व्रत करना चाहिए। जैसे करवा माता ने रक्षा की,
वैसे ही सबके पतियों की रक्षा करें। दूसरी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल की बात है, करवा नाम की पतिव्रता स्त्री नदी के किनारे अपने पति के साथ रहा करती थी। स्नान करते समय एक दिन गई थी जब स्नान करने, तो मगरमच्छ ने उसके पति का पैर पकड़ लिया। वह अपने पत्नी को करवा करवा कहकर बुला रहा था। उसकी आवाज़ सुनकर पत्नी दौड़कर आई और मगर को कच्चे धागे के बांध दिया। मगर को बांधकर यमराज के पास गई और बोली, भगवान, मगरमच्छ ने हमारे पति के पैर पकड़ लिए हैं। अगर पैर पकड़ने के अपराध में उसे मृत्यु दंड नहीं देंगे तो ठीक नहीं होगा। यमराज ने कहा, अभी मगरमच्छ की आयु शेष है, मैं उसे कैसे मार सकता हूँ। करवा ने कहा, ऐसा नहीं करेंगे तो मैं श्राप दे दूंगी। यह सुनकर यमराज उस पतिव्रता स्त्री करवा से डर गए और मगरमच्छ को यमपुरी भेज दिया। करवा के पति को दीर्घायु दी। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है। सुहागिन स्त्रियों के द्वारा यह व्रत रखा जाता है। करवा माता ने जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, ऐसे सबके पतियों की रक्षा करना। तीसरी कथा इस प्रकार है। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थी। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे, इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान था। परंतु छोटी के मायके में कोई न था। वह घर में सारा कामकाज करती, सबकी सेवा करती, पर कोई भी उसे प्यार नहीं करता, सभी दुत्कारते रहते। तीज त्योहारों पर भी जब उसके मायके से कोई ना आता तो वह बहुत दुखी होती। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ आया। अन्य बहुओं के यहाँ से भाई करवा लेकर आए, छोटी के यहाँ से कोई था नहीं तो कैसे लाता। सास खरी खोटी सुनाने लगी कि इसके यहाँ से कभी कुछ नहीं आता। वह दुखी होकर घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर तक रोना सुनता रहा, अंत में बिल से निकल कर आया। छोटी बहू से पूछने लगा, क्या बात है, क्यों रो रही हो। तो बहू छोटी बहू ने कहा, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है, कोई भाई होता तो ज़रूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी बहू पर दया आई, कहा, तुम घर चलो बहन, मैं भी करवा लेकर आता हूँ। छोटी बहू चली गई। थोड़ी देर बाद नाग ससुराल पहुँचा। ससुराल वाले बहुत सामान देखकर प्रसन्न हो गए और कुछ ही समय में बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना महल दिखाया और कहा, जब तक मन करे आराम से रहो, लेकिन एक बात याद रखना, सामने की नांद कभी मत खोलना। छोटी बहू तो आराम से रहती, एक दिन सोचने लगी, देखूं जरा इसके नीचे है क्या। नांद उठाकर देखा तो छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर थे, भागने लगे। और जल्दी से जब नांद रखना चाहा तो एक सांप की पूंछ कट गई। एक सांप को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती बता दी। नाग ने क्षमा कर दिया, अब ऐसा नहीं करना। और छोटी ने ससुराल जाने के लिए कहा तो धन रत्न आदि देकर विदा किया। अब तो ससुराल में उसकी इज्जत होने लगी। जिस सांप की पूछ कटी थी उसे सभी बंडा पूछ कटा कहते थे। और एक दिन वो परेशान होकर माँ से बोला, मैं बदला लूँगा उस छोटी से। तो माँ ने बहुत समझाया लेकिन नहीं माना और जाकर उसके घर में घुस गया। पूछ कटा सांप खाने की प्रतीक्षा, डसने की, काटने की प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन इधर सास और बहू में कुछ बातें होने लगीं तो कसम खाकर कहने लगी, मुझे पुचकटे भाई से कोई प्यारा नहीं, उसकी कसम खाकर कहती हूँ, माँ ऐसा नहीं किया मैंने। और फिर तब से वो भाई, उसके मन में विचार आया कि तो मुझे इतना प्यार करती, मैं इसे काटने आया हूँ। और जब लौटा तो सांप ने पूछा, क्यों पुचकटा तू चलाया। बोला कि मैं अपनी प्यारी बहन को कैसे काट सकता हूँ। और फिर वही हर बार करवा चौथ के दिन बहुत सारा सामान लेकर बहन के लिए जाता था। और अति प्राचीन कथा इस प्रकार है कि जब भगवान श्री कृष्ण के पास एक बार द्रौपदी थी और पांडवों पर बड़ी मुसीबतें थीं और पांडव नीलगिरी पर्वत पर अर्जुन तपस्या करने के लिए चले गए, तो द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा कि मुझे इस दुख से कैसा छुटकारा मिले, कोई हमें ऐसा उपाय बताएं। द्रौपदी ने जब कृष्ण भगवान से पूछा तो कहा कि तुम करवा चौथ का व्रत करो और इससे जो है तुम्हारा पति दीर्घायु होगा और पांडव सुखी होंगे, उन्हें राज्य भी मिलेगा। और फिर द्रौपदी ने यह सुंदर व्रत किया और जिसके कारण पांडवों को राजगद्दी भी मिली, उसके पश्चात उनकी लंबी आयु भी मिली, धन मिला, सुख मिला, समृद्धि मिली। इसलिए इस व्रत को तब से भी नारियां करती हैं। पुत्र पौत्र धन धान की इच्छुक
नारियों को यह व्रत जरूर करना चाहिए। इस व्रत में भगवान शंकर और करवा माता की आरती भी करना चाहिए, जिससे करवा माता प्रसन्न हो। गणेश भगवान की आरती, करवा माता की आरती, शिव भगवान की और ओम जय जगदीश हरे, ये चार आरती कर लेना चाहिए। इस दिन सुहाग का सामान दान करना चाहिए। श्रद्धा भक्ति भाव से व्रत करना चाहिए। किसी के प्रति निंदा स्तुति त्याग करके इस व्रत को करने से स्त्रियां वैधव्य का दुख नहीं भोगती और उनका अचल सुहाग बना रहता है। जब चांद निकले तब उन्हें चांद को अर्घ देकर तब पति के हाथों से जल पीना चाहिए। सासू माँ को पहले तो प्रणाम करें और अपने पति को, फिर सासू माँ को, फिर जितने घर के बड़े लोग हों उन सबका आशीर्वाद लेना चाहिए। इस तरह से करवा माता प्रसन्न होती हैं। जय करवा माता।